गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंसेप्ट कैरेटिन 5 मिनट्स सीरीज नंबर 3। किसका कर रहे हैं हम ये? पेपर टू कॉमर्स में। तो पेपर टू कॉमर्स में एक टॉपिक है हमारे पास कोरिलेशन, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं मीनिंग की। कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि साहब, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स को, मैंने दो या दो से अधिक लोगों के बीच रिलेशनशिप क्या है, क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लीनियर है, वो हम सब पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम मीनिंग की बात करें कि साहब, इट्स ए रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। कोई भी दो या दो से अधिक वेरिएबल आपको दिए गए हैं, अगर वो दोनों का रिलेशन इस तरीके से है, क्या एक में अगर कुछ चेंज होता है तो दूसरे में कुछ चेंज आता है, चाहे पॉजिटिव आता है चाहे नेगेटिव आता है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों आइटम क्या है, कोरिलेटेड है। और हमारे जो स्टैट्स में टॉपिक का नाम है, दैट इज कोरिलेशन एनालिसिस। तो एनालिसिस क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो मेजर करती है दो चीजें, क्या, डिग्री ऑफ दैट रिलेशनशिप और डायरेक्शन। डायरेक्शन होती है सब दिशा, कि क्या दो वेरिएबल एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव है, या एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड है, सॉरी नेगेटिव कोरिलेशन है, या हम पढ़ेंगे लीनियर है, नॉन लीनियर है। तो ये तो बात हुई डायरेक्शन की, दिशा की। हम बात करेंगे डिग्री की। डिग्री मतलब टू व्हाट एक्सटेंट दैट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। पॉजिटिव है, ठीक है, बट कितना है। तो आर से हम इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से सिंबल है इसका, आर जो वेरी करेगा माइनस वन से प्लस वन के बीच। तो दो बातें आपको बताएगा, क्या दो रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है और उसकी डिग्री क्या है। अब बात करें हम इसके टाइप्स की, तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स इफ बोथ द वेरिएबल्स इन वेरी द सेम डायरेक्शन, चाहे वो अपवर्ड है चाहे वो डाउनवर्ड है, तो क्या कहलाएंगे वो, पॉजिटिव। इफ बोथ द वेरिएबल्स वेरी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या कहलाएगा वो, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, यहां लिया हमने हाइट एंड वेट। सी हाइट का देखें आप, 155, 158, 162, 166 इंक्रीजिंग मोड में है, जबकि हाइट के साथ साथ वेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी दोनों की दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। हाँ, अगर दोनों माइनस भी हो रहे होते तो भी रिलेशनशिप क्या आता है, पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अपोजिट क्या हो सकती है, जैसे आप देखें यहां पर प्राइस एंड डिमांड, प्राइस कम कर रहे हैं, 5 से 4 पे आ गए, 1 रुपीज हमने प्राइस डाउन कर दिया, तो हमारा जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गया, यानी प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रहा है, तो रिलेशनशिप कौन सा होगा, नेगेटिव, इनवर्स रिलेशनशिप। उसके अलावा लीनियर एंड नॉन लीनियर, नॉन लीनियर को हम बोलते हैं कर्वी लीनियर। तो इसका मीनिंग पढ़ते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो इन द अमाउंट ऑफ चेंज इन अनदर वेरिएबल, यानी जिस अनुपात में पहले वेरिएबल में चेंज आ रहा है उसी अनुपात में दूसरे वेरिएबल में चेंज आ रहा हो, तो क्या बोलते हैं, लीनियर। इसको भी हम विद एग्जांपल समझेंगे। और रही बात अगर ग्राफ पेपर पे हम इसको प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर हम बात करें नॉन लीनियरिटी की, सो कहता इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बियर ए कॉन्स्टेंट रेशियो, यानी दोनों में जो चेंज आ रहा है उसके अंदर जो रेशियो है वो सेम नहीं है। कैसे नहीं है, अगेन एक और एग्जाम्पल से समझेंगे हम। यहां लिया मैंने मिल्क एक्स एक्सिस पे लीटर्स में, चीज लिया मैंने केजीज में, किलोग्राम में, आप देखें चेंज कितना आ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50। और 10 लीटर मिल्क से चीज कितना बढ़ रहा है, 2 kg, 20 से 4 kg। अगर आप इनके बीच का गैप देखेंगे, रेशो देखेंगे, ये सेम है, दिस इज लीनियर। और अगर ये सेम नहीं है, जैसे यहां देखो आप एडवर्टीजमेंट इन रुपीज में दे रखी है लैक्स में, 2, 4, 6, 8, 10, बट उसी अनुपात में उसी रेशो में आपका सेल्स का फिगर नहीं बढ़ रहा, 2 के बाद 10 है, 4 के बाद ये 12 हो जाता है, और उसके बाद यहां तो देखो 2 की मल्टीपल, 2 की टेबल चल रही है, पर ये 10 की टेबल नहीं है, जबकि यहां ये था, यहां 10 की टेबल थी, यहां 2 की टेबल, यानी उसी कांस्टेंट रेशो में आगे बढ़ता है तो लीनियर है, नहीं बढ़ रहा तो क्या है वो, कर्वी लीनियर है, या क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर है। नेक्स्ट वन मोर, एक आता है सिंपल। सिंपल मतलब क्या कह रहा है साहब, इफ ओनली टू वेरिएबल्स आर स्टडीड, हम एक साथ में सिर्फ दो वेरिएबल को पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे थे अभी हाइट को वेट से, प्राइस को डिमांड से, सेल को एडवर्टीजमेंट से, तो क्या कहा जाएगा, सिंपल कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक होता है मल्टीपल, 3 या 3 से अधिक,
ठीक है, तीन या तीन से अधिक हम चीजें एक साथ कंपेयर करें तो क्या होता है आपका मल्टीपल। जैसे हमने क्या देखना है, यील्ड ऑफ वीट, अनाज का उत्पादन पर एकड़, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बारिश की मात्रा, एंड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, यानी तीन बातें एक साथ आ गई आपकी। ठीक है, क्या क्या आ गया कि साहब आपका प्रोडक्शन ऑफ वीट, रेनफॉल एंड फर्टिलाइजर, तीनों को साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगा वो, मल्टीपल कोरिलेशन। इसी में एक और आता है, उसको बोलते हैं पार्शल। पार्शल में नया क्या होगा ये थोड़ा ध्यान से समझना आप। मैंने बोला अभी मैंने तीन वेरिएबल लिए एक्स वाई एंड जेड, यहां मैंने लिया वीट का प्रोडक्शन, यहां मैंने लिया रेनफॉल और यहां मैंने लिया फर्टिलाइजर, तीनों को एक साथ रिलेट करना चाहते हैं तो मल्टीपल कोरिलेशन है। अगर हम एक साथ एक्स और वाई का रिलेशन देख रहे हैं और जेड को क्या ले रहे हैं एज ए कॉन्स्टेंट, तो ये क्या कहलाएगा, पार्शल। ऐसा भी होगा हम एक्स और जेड का कोरिलेशन देखेंगे, वाई को लेंगे कॉन्स्टेंट, या हम एक्स और वाई का, सॉरी आप वाई और जेड को ले लेते हैं और एक्स को रख लेते हैं कॉन्स्टेंट, इसको भी हम क्या बोलते हैं, पार्शियल कोरिलेशन। और एक ही आप होल्ड करेंगे तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन। तीन वेरिएबल में दो को कंपेयर करके थर्ड को हमने कॉन्स्टेंट मान लिया, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन। तो ये सिंपली हमने टाइप्स पढ़े और कमिंग वीडियो में इसके और कंसेप्ट क्लियर करेंगे स्टैट्स के। तो अगर आपको कोई एडमिशन के रिगार्डिंग इंक्वायरी हो तो आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, और जरूर हमारे सब्सक्रिप्शन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले टाइम में, हम इतने सारे वीडियोस पोस्ट करते हैं और इनफैक्ट करने की हमारी प्लानिंग है कि जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।